नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य अनुसूचित जाति जमाती आयोग की महापालिका को भेंट। धारगढ़ के पास पर्यटकों को दिखा बाघ परिवार। अकोला में तीन स्थानों पर लगेगा दीपावली बाजार। पॉलीथीन जब्ती की कार्रवाई, दुकानदार पर लगाया दंड। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने दी जिला परिषद को नोटिस। शुक्रवार को अकोला महानगर पालिका कार्यालय में राज्य अनुसूचित जाति जमाती आयोग ने अपनी भेंट दी। इस दौरान आयोग ने अनुसूचित जाति जमाती पदों का जायजा लिया। शुक्रवार को 26 अक्टूबर को अकोला महानगर पालिका में अनुसूचित जाति जमाती आयोग मुंबई की टीम ने भेंट दी। इस दौरान अनुसूचित जाति जमाती आयोग की टीम ने मनपा के सभी विभाग प्रमुखों की बैठक ली। इस दौरान मनपा में अनुसूचित जाति जमाती के पदों को तुरंत भरा जाए, पदोन्नति की जाए, आकृतिबद्ध तैयार कर मंजूरी दी जाए, सफाई कामगारों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, प्रत्येक 6 माह में सफाई कामगारों के स्वास्थ्य की जांच की जाए आदि प्रकार के निर्देश दिए गए। इसके अलावा आयोग ने अनुसूचित जाति जमाती के कितने पद रिक्त है इसकी जानकारी ली। शहर में जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जाति जमाती के बालक व बालिकाएं मनपा की शालाओं में काफी कम प्रमाण में है, जिसे लेकर आयोग द्वारा उंगली उठाई गई। इस अवसर पर अनुसूचित जाति जमाती आयोग के अध्यक्ष विजय कामले, सदस्य मधुकर गायकवाड़, रमेश शिंदे समेत मनपा के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अकोट तहसील के अंतर्गत आने वाले धारगढ़ के पास पर्यटकों को बाघिन के साथ उसके 3 शावक दिखाई दिए। पिछले कई दिनों से यह बाघ परिवार यहां घूमता नजर आ रहा है। अकोट तहसील के अंतर्गत आने वाले शाहनूर सफारी के धारगढ़ बोरी के पास बाघिन के साथ उसके 3 शावक पिछले कई दिनों से पर्यटकों को दिखाई दे रहे हैं। अकोला के निसर्ग प्रेमी सतीश देशमुख, मिलिंद जोग, राजेश्वर चौधरी व प्रशांत गाड़े पर्यटन के लिए धारगढ़ परिसर में गए थे। तब उन्हें एक बाघिन और उसके 3 शावक किए गए शिकार का भक्षण करते नजर आए। लगभग आधे घंटे तक बाघिन और उसके 3 शावक यहां नजर आए। उसके बाद बाघिन अपने 3 शावकों के साथ घने जंगल में चली गई। बाघिन के साथ 3 शावक के दर्शन के कारण पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में बाघों की बढ़ रही संख्या से पर्यावरण प्रेमियों में हर्ष का वातावरण दिखाई दे रहा है। अकोला महानगर पालिका ने दीपावली को देखते हुए दीपावली बाजार का नियोजन किया है, जिसके तहत अकोला शहर में 3 जगहों पर दीपावली बाजार की व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन तथा महानगर पालिका ने संयुक्त तौर पर नियोजन करते हुए इस बार दीपावली का बाजार 3 स्थानों पर लगाने का निर्णय लिया है। बसस्थानक समीप पर सब्जी बाजार से सटे मुंगीलाल बाजोरिया प्रांगण में पूजा सामग्री, दीप, पत्ते आदि की दुकानें लगाई जा सकेगी। वहीं भाटे क्लब के पास मैदान के फूल की दुकानें सजेगी। सिटी कोतवाली के पास मोरना नदी किनारे गणेश घाट पर कपड़ों की दुकानें अस्थायी तौर पर लगाई जाएगी, ताकि सभी सड़कों पर भीड़ न हो, सड़कों का यातायात सुचारू रूप से चले। 3 स्थानों पर बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी मनपा पर रहेगी। लघु व्यवसाय मुख्य सड़कों के किनारे अतिक्रमण न करते हुए निर्धारित स्थानों पर ही दुकानें लगाए और महानगर पालिका को सहयोग करे, ऐसी अपील मनपा प्रशासन की ओर से की गई है। अकोला महानगर पालिका के आरोग्य विभाग ने एक दुकान से 45 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की। इस कार्रवाई में संबंधित दुकानदारों को ₹5,000 का दंड लगाया गया।
राज्य सरकार ने पॉलीथीन व कैरी बैग के इस्तेमाल, भंडारण, बिक्री, वितरण पर प्रतिबंध लगाया है। बावजूद इसके शहर के कुछ व्यापारी प्रतिबंधित कैरी बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे देखते हुए मनपा के आरोग्य विभाग द्वारा जांच के साथ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। अकोला के अलंकार मार्केट स्थित एक दुकान से पॉलीथीन बैग का 45 किलो का माल जब्त किया गया। संबंधित दुकानदार को 5,000 रुपयों का दंड दिया गया। यह कार्रवाई आरोग्य विभाग प्रमुख प्रशांत राजुरकर, प्रशांत मेहरे, जितेंद्र पुरते, राजेश जाधव, आरोग्य निरीक्षक अब्दुल सलीम, मोहम्मद अलीम, रोशन अली आदि ने की। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने अपनी बकाया राशि को लेकर जिला परिषद को नोटिस जारी की है। जिला परिषद को राशि अदा करने में दिक्कतें होने की जानकारी प्राप्त हुई है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने जल कर अदायगी के लिए अकोला जिला परिषद को शेष राशि अदा करने अन्यथा जलापूर्ति बंद करने को लेकर पत्र भेजा है। जिला परिषद पंचायत विभाग की ओर से एक वर्ष में ग्रामीण प्रादेशिक जल कर वसूली केवल 6 से 6.5% ही की गई थी, जिस कारण जिला परिषद महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को पूरा बिल अदा नहीं कर पाई थी। जिला परिषद की ओर से अब तक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को 75 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, जबकि उसे अभी करीब करीब 70 से 80 लाख रुपए अदा करने हैं। हालांकि जिला परिषद की ओर से अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2018 तक प्रादेशिक जल कर वसूली 21,95,80,149 रुपए बाकी रह गई, जिस कारण जिला परिषद की ओर से 70 से 80 लाख रुपए भरना बाकी है। परिणाम स्वरूप जिला परिषद की ओर से चलाई जाने वाली जलापूर्ति 84 खेड़ी प्रादेशिक जलापूर्ति योजना ठप पड़ने की कगार पर है। जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की ओर से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को जलापूर्ति की जाती है। इसके लिए विविध प्रकार की जलापूर्ति योजनाएं जिला परिषद की ओर से चलाई जा रही है, परंतु योजनाओं की जल कर वसूली करने पर जिला परिषद में कार्यरत संबंधित अधिकारियों का ध्यान नहीं है। परिणाम स्वरूप जल कर वसूली की बकाया राशि करोड़ों में शेष रह जाती है। जिला परिषद के पंचायत विभाग की ओर से मार्च 2018 तक 6.2% यानी 1,40,67,315 रुपए की गई, जबकि उसे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को 1,83,000 रुपए अदा करने थे, लेकिन जल कर वसूली पूरी न होने की वजह से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को 1,83,000 में से 75 लाख ही दिए जा सके हैं, जिस कारण महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की ओर से अकोला जिला परिषद को शेष रकम अदा करने का कह रहा है। यदि जल्द रकम अदा नहीं की गई तो जलापूर्ति रोकने की चेतावनी भी दी गई है। तृतीय जिला न्यायाधीश ने आरोपी पिता को 2 साल का कारावास की सजा सुनाई है। सामग्री तहस नहस करते समय पिता के हाथ से बेटे की मौत हो गई थी, जिसके लिए पिता को यह सजा सुनाई गई। 24 जुलाई 2017 को खदान परिसर के महात्मा फुले नगर निवासी 30 वर्षीय वर्षा रविन्द्र टेकाम ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उसके पति रविन्द्र उत्तमराव टेकाम के साथ 23 जुलाई को विवाद हुआ था, जिससे वह अपनी देवरानी शालिनी के घर चली गई थी। रात के समय बेटा सोहन, जो 7 साल का है, वह घर पर अकेला होने के कारण सास तथा देवरानी शालिनी उसके घर सोने के लिए चली गई थी। 24 जुलाई की सुबह 4 बजे के दौरान शालिनी घबराई हुई स्थिति में घर आकर बताया कि गुस्से में रविंद्र घर का सामान तहस नहस कर रहे थे। इसी बीच आटा पीसने का घरेलू चक्की का पाटा सोहन के सिर पर गिर जाने के कारण उसके सिर पर काफी चोट आई है। उपचार के लिए उसे सर्वोपचार अस्पताल लेकर गए हैं। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि सोहन की हालत अधिक खराब होने के कारण उसे नागपुर ले जाए। वहां ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी रविंद्र टेकाम के खिलाफ धारा 304 के तहत अपराध दर्ज किया। घटना की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक आरजे भार साकले ने करते हुए दोषारोप पत्र न्यायालय में दायर किया। उक्त अभियोग की सुनवाई तृतीय जिला व सत्र न्यायाधीश वीडी केदार के न्यायालय में हुई। सरकार पक्ष की ओर से 3 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को 2 साल का कारावास तथा 2,000 रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त 2 माह की सजा भुगतनी होगी। सरकार पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश्वर रेलकर ने पैरवी की।
राज्य परिवहन निगम द्वारा पुरानी बसों को आधुनिक लुक देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत अकोला विभाग को जल्द ही 3 MH बसें दी जा रही है। राज्य परिवहन निगम की सेवा को आधुनिक बनाकर पुरानी बसों के बदले लग्जरी का रूप देने के लिए मेटल फाइबर की बसों का निर्माण कार्य जोरों पर शुरू कर दिया गया है। इस तरह की 2 बसें मध्यवर्ती एवं मंगरुलपिल बस स्थानक में यात्रियों की सेवा में कार्यरत होने के बाद यात्रियों की मांग को देखते हुए विभाग को और 3 बसें मिलेगी, जिसके लिए नागपुर की कार्यशाला में इन बसों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में होने की जानकारी है। राज्य परिवहन निगम में पिछले अनेक सालों से यात्रियों को यातायात सुविधा देने वाली लाल परी की बॉडी एल्यूमिनियम की बनी हुई है। यह बस दुर्घटना की शिकार होने से बाद बस में सवार यात्रियों को चोटें लगकर घायलों की संख्या अधिक होती थी, जिसकी वजह से राज्य परिवहन निगम की सुरक्षा के बारे में सवाल उपस्थित होकर यात्रियों में डर की भावना जागृत होने लगी थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए राज्य परिवहन निगम द्वारा अब मेटल फाइबर से बनी MS बसों को बना रही है। मेटल फाइबर की बॉडी होने के कारण दुर्घटना के बाद होने वाली क्षति में कमी आने की संभावना है, जिसे देखते हुए यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा का आनंद देने के लिए काम करेगी। साथ ही इस बस को आधुनिक लुक देने के उद्देश्य से बस के अंदरूनी भागों को आकर्षक एवं लग्जरी लुक देने का प्रयास किया गया, जिससे लंबे सफर में इस बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को कम किराए में लग्जरी सेवा प्राप्त होगी। इससे पहले अकोला विभाग को MS की 2 बसें प्राप्त हुई है, जिसमें से 1 बस मध्यवर्ती बस स्थानक से तथा मंगरुलपिर डिपो से संचालित हो रही है। इस बसों को मिल रही पसंति को देखते हुए अकोला विभाग ने MS की 3 बसों की मांग प्रशासन को करने के बाद अकोला के लिए इन बसों का निर्माण कार्य नागपुर स्थित कार्यशाला में शुरू है। आने वाले दिनों में यह 3 बसें अकोला विभाग के मध्यवर्ती बस स्थानक समेत वाशिम व कारंजा बस स्थानकों से संचालित की जाएगी। ऐसी जानकारी विभागीय यंत्र अभियंता अमोल गाड़बैल ने दी है। प्रमिलाताई ओक सभागृह में बाबूजी देशमुख वाचनालय द्वारा नवरात्र व्याख्यान माला ली जा रही है, जिसे नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है। आज सभी चर्चा विभाजन पर है, तो विभाजन को गलत समझकर अखंड भारत कैसा होगा, इसका अंदाज कोई नहीं कर सकता। वास्तविकता में हम अखंड भारत कहते हैं वह ब्रिटिश राज के 12वें प्रांत का भारत है। इसलिए आज अखंड भारत रहता तो केवल ब्रिटिश राज का 12वां प्रांत होने का प्रतिपादन नांदेड़ के शेषराव मोरे ने किया। स्थानीय प्रेमिलाताई ओक सभागृह में बाबूजी देशमुख वाचनालय की ओर से आयोजित नवरात्र व्याख्यान माला के 5वें पुष्प में आज भारत अखंड अस्तातर के विषय पर बोलते हुए मोरे ने कहा, भारत अखंड है का कारण राज्य घटना मानते हैं, परंतु स्वतंत्रता पूर्व समय में भारत की राज्य घटना कैसी रही होगी, इसमें मतभेद दिखने लगा। भारत का राज लोकशाही पद्धति से चलेगा, यह 1885 में स्थापना से निश्चित हुआ, परंतु आगे मुस्लिम लीग के उदय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र अपनी घटना रखी, परंतु दोनों गुटों ने एक दूसरे की घटना को नकार दिया, यही से विभाजन के बीच रोपे गए। आगे द्विराष्ट्रवाद का धोरण आया, इसमें दोनों गुटों ने 50% भागीदारी की मांग की। शरद पूर्णिमा पर नागार्जुन औषधालय द्वारा अस्थमा के 2200 रोगियों को औषधि युक्त खीर का वितरण मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। अकोला के सिटी कोतवाली पुलिस थाने के पिछले भाग में स्थित पिछले 47 साल से अस्थमा के मरीजों को खीर से औषधि देने वाले स्वर्गीय डॉक्टर प्रभुदयाल शर्मा द्वारा स्थापित नागार्जुन आयुर्वेद चिकित्सालय द्वारा शरद पूर्णिमा पर 2200 मरीजों को औषधि का वितरण किया गया। इस अवसर पर दी बेरार जनरल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर आर बी हेड़ा, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील राठी, अनिल भाटिया, महादेवराव हुरपड़े, डॉक्टर अरुण पारेख, डॉक्टर जगदीश भट्टर उपस्थित थे। इस अवसर पर अकोला शहर समेत ग्रामीण इलाकों से अस्थमा के सैकड़ों रोगी उपस्थित थे। मान्यवरों के मार्गदर्शन के बाद अस्थमा के सभी रोगियों को औषधि युक्त खीर का वितरण किया गया। उसके बाद शरद पूर्णिमा की सारी रात जागरण कर भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरआरसी नेटवर्क की सिटी मैत्रीन अंतर्गत रविवार 28 अक्टूबर को सुधीर कॉलोनी सोसाइटी ग्राउंड पर सिटी मैत्रीन सभासदों के लिए कोजागिरी उत्सव आयोजित किया गया है। शाम 6 बजे से 10 बजे तक यह उत्सव मनाया जाएगा।
इस अवसर पर सिटी मैत्रीन के नए सभासदों का पंजीयन भी किया जाएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल क्रमांक 8605095744 पर संपर्क करने का आह्वान किया गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य अनुसूचित जाति जमाति आयोग की महापालिका को भेंट। धारगढ़ के पास पर्यटकों को दिखा बाघ परिवार। अकोला में 3 स्थानों पर लगेगा दीपावली बाजार। पॉलीथीन जब्ती की कार्रवाई, दुकानदार पर लगाया दंड। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने दी जिला परिषद को नोटिस। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।